हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट करी थी जैसे कि कंप्लीट फॉर फ्री, तो वो उस सारी वीडियोज रिकॉर्ड हो चुकी। कंप्लीट फिजिक्स आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और कुछ और भी सीरीज हैं जैसे कि वर्ड पावर मेडी जी की सीरीज हमने स्टार्ट करी है वोकैबुलरी के लिए, तो वो भी यूट्यूब पे फ्री ही रहेगी। कुछ चीज़ें पेड भी होंगी, जैसे हमने जनरल साइंस का एक पेड कोर्स निकालने का प्लान किया है तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे, और फिजिक्स सारी की सारी क्लासेस आप कैसे फ्री में एक्सेस कर बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। करते हैं, जैसे कि अभी यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट देखेंगे फिजिक्स तो उसमें 6 हो जाए, लेकिन ऑलरेडी हम 19 वीडियो शूट कर चुके हैं। यूट्यूब पे डेली बेसिस पे हम डाल रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे आप सारी की सारी वीडियो अभी ही एक्सेस कर सकते हैं और उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ फ्री प्लेलिस्ट है अवेलेबल है। जैसे कि आप एप्लीकेशन पे जाएंगे जब, तो यहाँ पे 19 वीडियो आपको दिखेंगे फाउंडेशन की, इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे। अगर आप ये सारा कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत आनी नहीं है एसएससी एग्जाम्स में। और एस सच इसके लिए मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी कि जितने भी आपको ऐप, जब आप ऐप पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस आप जैसे सर ने बताया कि आप एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो एज सच उनको नीड नहीं होती है कि वो वीडियोस देखें, तो आपको जैसे आप देख पा रहे हैं कि पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है। आप अगर वीडियो नहीं देखना चाहते, आपको पीडीएफ एक्सेस करनी है, आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। एक बार जब आप रीड करेंगे, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने शायद नया पढ़ा हो या फिर आपको कोई टॉपिक में डाउट रहा हो स्टार्टिंग से, तो आप उसी के कंसर्न आप वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि इन सभी वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स ऐसी मिलेंगी जिनसे आपको लर्न जो करना है वो आसान हो जाएगा, और आप शायद वीडियो देखते देखते ही आपको लर्न हो जाएगा। क्योंकि जब आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हो और स्पेशली जैसे साइंस है, तो आपको ये चीज़ नीड रहती है कि हाँ बस एक बार ही वीडियोस देखने के बाद आप एक बार रिवीजन कर लो तो आपको माइंड में सेटअप हो जाए। तो ये जो वीडियोस बनाई गई हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं कि जब आप वीडियो देख रहे हो कि तो आइडियाज़ ऐसे आए आपके दिमाग में कि वो सेट हो जाए। तो इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स पता लगेंगी और बहुत प्ले वे मेथड से हमने वीडियोस बनाई हैं, तो ज़रूर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि एक एक चीज़ बेसिक से समझाएगी आपको, एक एक चीज समझ में आएगी। आप वीडियो को अलग अलग स्पीड पे देख सकते हैं, 2x स्पीड। मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, आप कुछ भी याद नहीं है अच्छे से, तो वीडियो को 2x स्पीड पे लगाए, जल्दी जल्दी आपने वीडियो खत्म करा। उसकी पीडीएफ विद एनोटेशन अवेलेबल रहती है, इसे आप अपने फोन मेमोरी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे इसके क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाए बाद में। बाकी फिलहाल ये है कि आप अपना कोर्स कम से कम टाइम में कंप्लीट करें, ठीक है। जो कोर्स लॉन्च होगा, अभी हमने इसका बेयर मिनिमम प्राइस रखा है, डेट इज 349 फॉर फर्स्ट 500 यूजर्स, ठीक है। उसके बाद जो चांसेस हैं, जो प्राइस रहेगा वो 499 हो सकता है। वैलिडिटी 8 मंथ्स की रखी है, 8 मंथ्स में आपके जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जी, इन सब का आपका काम चल जाएगा, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद वैलिडिटी एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है, वो बहुत ही कम चार्जेस में आप अपनी वैलिडिटी एक्सटेंड कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस तरीके से इसमें तीनों सेक्शंस कवर होने वाले हैं, मैम ही तीनों आपको पढ़ाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक सेक्शन आपने यूट्यूब पर देखा था, मैम का पढ़ाने का तरीका आपको पता चल ही गया होगा कितने अच्छे तरीके से मैम पढ़ाती हैं, और ऐसे ही केमिस्ट्री पूरा मैम ही कवर कराएंगी। मैं एक बार छोटा सा आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको कोर्स को एक्सेस करना है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पेड क्लासेस में जाएंगे, ठीक है। पेड क्लासेस में क्लिक करने के बाद एक अपने पास ऑप्शन होता है माई कोर्सेस, ये वो कोर्सेस होते हैं जो आपने परचेज किए हैं। उसके बाद ऑल कोर्सेस पे आप क्लिक करेंगे और स्लाइडर को थोड़ा अप डाउन करेंगे तो आपको मैम का कोर्स दिखेगा यहाँ पे जनरल साइंस का। इसमें आप यहाँ पे व्यू डेमो पे क्लिक करके आप आगे की वीडियो फिजिक्स की अगर आपको देखना चाहें या बायोलॉजी का देखना चाहें क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है वो आप देख सकते हैं, वरना बाय नाउ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिर्फ जनरल साइंस नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आपको साथ में मिलेंगी, इस बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे कि आपने मान लो या तो बाय नाउ पे करके आपने परचेज कर लिया, लेकिन अगर आपको खाली फिजिक्स क्लासेस देखनी है अभी जो फ्रीली अवेलेबल है उनकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आप व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइंस सेक्शन आएगा जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स की 19 की 19 क्लासेस होंगी, यहाँ पे वॉच करना है तो वीडियो वॉच हो जाएगी, पीडीएफ करेंगे तो आप पीडीएफ को एक्सेस करके अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हमारे पास हो गया साइंस क्या कहते हैं फिजिक्स का, ठीक है। अब बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा मैम एक्सप्लेन,
बायोलॉजी में भी मेन, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, तो बायोलॉजी को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो बायोलॉजी यानी जिसमें आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन होगा, इसके अलावा कुछ जो चैप्टर्स हैं वो हैं आपके बॉटनी के यानी जो प्लांट सेक्शन की बायोलॉजी होती है, और कुछ सेक्शन है आपका जूलॉजी का यानी जो एनिमल सेक्शन का है। इसमें जितने भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए आप अगर लूसेंट रेफरेंस ले रहे हैं तो जितने चैप्टर्स लूसेंट में हैं वो तो अप्रॉक्सीमेटली सभी फिनिश हैं। इसके अलावा जो हमको दिखा है कि हाँ ये चैप्टर जो है वो एक्स्ट्रा है और वो लूसेंट में नहीं है, हम लोग वो भी कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि फिजिक्स के टोटल 19 वीडियोस हैं, 19 लेक्चर्स हैं जिसमें पूरी फिजिक्स कंप्लीट हुई है, तो इनकी भी जो ड्यूरेशन है, एक तो इनकी ड्यूरेशन कम रखी गई है ताकि आप लोगों को देखने में आप देख लें, आपको एकदम से ये ना हो कि इतने टाइम की वीडियो है, आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। सेकेंडली इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इसके बाद जब आप बायो की वीडियोस देखेंगे, वो भी हम लगभग 19 से 20 वीडियोस में हम सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। केमिस्ट्री में भी इतनी वीडियोस होंगी, इससे कम भी हो सकती हैं, और सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो वो भी आपके लिए सर ने बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं, आप बिल्कुल अपने डाउट्स आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो आपके डाउट्स भी जो है सॉल्व करने की हम मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स हमारा इस चीज़ का मेन एम यही है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। तो ये थी बायोलॉजी की, इसके टोटल जो लेक्चर्स होने वाले हैं ये आपको मंथ एंड तक सारे के सारे ऐप पे जो है अपलोड हो जाएंगे। मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो आधे से ज्यादा सिलेबस है वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, सिर्फ कुछ वीडियोस बच रही हैं, तो इस मंथ के एंड तक आपको सारी मिल जाएंगी, तो ताकि एग्जाम तक आप कई बार अगर रिवाइज भी करना चाहें तो आप कर सकें, और आपको साइंस के लिए आपको प्रेशर या टेंशन लेने की नीड ना हो, आपके पास टाइम से पहले सारा सिलेबस हो। तो ये बायोलॉजी का था। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, ये अभी जब आप ऐप पे जाएंगे तो क्योंकि ये पेड है तो आपको लॉग दिखेगा, और इसमें जब आप डेमो पे क्लिक करेंगे तो जो एक इसमें फ्री क्लास होगी वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में भी सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर के हैं, जो पदार्थ के हैं, इसके अलावा सॉल्यूशन हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे रिसेंट में क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे आपको इसमें चैप्टर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और साथ साथ हमने ये भी सोचा है कि आपको इन क्लासेस के साथ जो भी बिल्कुल रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं उनकी जीके की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा दें, तो आप वहाँ से वो भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इन क्लासेस की खास बात एक ये है कि हमने इन्हें मतलब ड्यूरेशन वाइज स्प्लिट नहीं किया है, हमने इसे स्प्लिट किया है टॉपिक वाइज, कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर देखना है तो डायरेक्टली आप उस टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि हाँ ये वाला टॉपिक कहाँ कराया गया होगा, लेक्चर्स में आप कन्फ्यूज, और हर लेक्चर के आगे उसकी ड्यूरेशन अलग से मेंशन है कि आपको पता चले कि टोटल कोर्स की ड्यूरेशन कितनी बन रही है। और अभी ये जैसे फाउंडेशन कोर्स, इसके बाद जब प्रैक्टिस सेशन आएंगे तो वो चीज़ें भी ऐड होंगी, उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी, आप खुद से सॉल्व कर सारे के सारे करके देखें, कहीं दिक्कत आ रही है तो मैम वहाँ पे करवाएंगी आपको हेल्प। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी एक बनाया जाएगा जनरल साइंस के लिए, जिसमें सारे के सारे पेड यूजर्स होंगे, जिसमें मैम भी अवेलेबल होंगी, कोई भी क्वेरी आ रही है आप मैम को टैग करके वहाँ पे पूछ। पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी का भी हम प्लान कर रहे हैं कि जो जनरल साइंस का कोर्स है इसी के साथ साथ आपको पॉलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी उसमें अभी टाइम है, उसका जब कोर्स अगर हम करेंगे तो आपको बताएंगे, या यूट्यूब पे फ्री होगा तो भी आपको पता चलेगा, लेकिन वी आर प्लानिंग कि जनरल साइंस के साथ साथ इस कोर्स के अंदर आपको पॉलिटी मिले। साथ ही साथ जीके चैप्टर वाइज पीडीएफ हम लोग बनाते हैं, आपको पता ही ऑलरेडी 2020 के बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबके हमने जीके की चैप्टर वाइज पीडीएफ बनाई है, जिसमें सारे ही सेक्शन होते हैं जीके के, वो पीडीएफ इसमें ऐड कर दी जाएंगे। जो हमारा पीडीएफ कोर्स होता है मेनली, उसमें तो जीके, मैथ्स, इंग्लिश सब होता है, लेकिन जीके की सारी चैप्टर वाइज पीडीएफ यहाँ पे होंगी, जिससे कि आप फटाफट से जो पढ़ लिया, एक मान लो आपने फिजिक्स पूरा पढ़ लिया, तो लेटेस्ट के सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर पाए कि क्या क्या क्वेश्चन। और इसके अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि साइंस का जो वेटेज है वो थोड़ा कम है, लेकिन आप एक चीज समझिए कि जो पॉलिटी सेक्शन है, जो हिस्ट्री सेक्शन है, वो अनसर्टेन है। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, बट कई बार अगर हार्ड शिफ्ट हो गई तो उसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि अगर आपके क्वेश्चंस जो है वो आप कम अटेम्प्ट कर पाए। तो अगर आप साइंस का सेक्शन, क्योंकि साइंस में हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक, अगर किसी का वेटेज ज्यादा है या जिसमें से क्वेश्चन नहीं भी आते हमने वो डाला है, इनफैक्ट हम वो मेंशन भी करेंगे कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप कौन सी वीडियोस पहले देख सकते हैं, कौन सी वीडियोस बाद में देख सकते हैं, ताकि आपका प्रायोरिटी वाइज आपकी प्रिपरेशन हो सके। अगर आपका कोई टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप सबसे पहले वही वीडियो देखें, और जो कम वेटेज के हैं उनको बाद में देखें। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर हार्ड शिफ्ट होती है किसी भी तरीके से, कोई भी अगर कंडीशन आती है, तो एटलीस्ट साइंस का पोर्शन ऐसा होगा जो आपका बिल्कुल
प्रिपेयर्ड होगा, 7 से 8 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, बायो के 2 से 3 आ रहे हैं, फिजिक्स के 2 से 3 या 1 से 2 आ रहे हैं, केमिस्ट्री के अगर आ रहे हैं, तो आप समझिए कि कम से कम अगर मैं कहूँ 5 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल रेडी होंगे। तो अगर आपका 1% अगर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता भी है कि शिफ्ट बहुत हार्ड है या आपका कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया जो आपको नहीं आता, तो एटलीस्ट साइंस का सेक्शन ऐसा होगा जो आपका बिल्कुल प्रिपेयर्ड होगा। तो ये जितनी भी वीडियोज हैं, जितनी इसमें ट्रिक्स ली गई हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपसे जनरल अपनी डेली लाइफ में कनेक्ट करके आपको याद कराने की कोशिश की गई है। जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। साइंस की अगर हम कॉम्पिटिटिव, लेकिन अगर मैं हिस्ट्री पूरा कवर करूं, इतने में पूरा साइंस आपका कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर साइंस और हिस्ट्री की वेटेज कंपेयर की जाए तो साइंस की वेटेज फिर भी ज्यादा होगी, ठीक है। और साइंस मीडियम बैकग्राउंड वालों के लिए साइंस करना इजी रहता है काफी, और वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं साइंस। और ये जो वीडियोस हमने बनाई भी हैं वो ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, अगर उनको वीडियोस देखने भी, जैसे वो देखेंगे भी, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो साइंस पढ़ रहे हैं तो इतने टाइम बाद क्यों पढ़ रहे हैं। उनको बिल्कुल, उनको ध्यान में रखते हुए हमने बनाई है कि जो भी एस्पिरेंट्स जो हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको भी देखकर ये नहीं लगे कि ये कौन से टॉपिक आ गए हैं या क्या हमने पढ़ाया है। इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत प्ले वे मेथड से इसमें पढ़ाए गए हैं। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।